नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में लेकर आए हैं एक और पौराणिक कहानी, जिसका शीर्षक है ऋषि उदालक अरुणी और पुत्र श्वेत केतु। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर वसंत यमदग्नि ने। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक ऋषि थे उद्वालक अरुणी, उनका पुत्र था जिसका नाम था श्वेत केतु। बचपन से ही श्वेत केतु खेल कूद में मस्त रहता, पढ़ना लिखना उसे अच्छा न लगता। उसके स्वभाव को देख ऋषि सदा चिंतित रहते। धीरे धीरे श्वेत केतु की आयु बढ़ने लगी, परंतु खेल कूद से उसका मन ना भरा। एक दिन ऋषि अरुणी ने पुत्र को समझाने की बात सोची, पर वे कोई उपदेश भी उस पर थोपना ना चाहते थे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि बालक के मन में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा की जाए, जिससे एक दिन वह स्वयं ही पढ़ने लिखने लगेगा। यह सोचकर श्वेत केतु की संगत बदलने का प्रयास किया गया। उसके साथ ही पढ़ते लिखते थे, वेदों का पाठ करते थे और समय पर खेलते कूदते भी थे। इनके साथ रहकर श्वेत केतु भी अब कभी कभी श्लोकों को गुनगुनाने लगा, कभी उनके अर्थों को जानने का प्रयास भी करने लगा था। किसी विषय पर साथियों से बहस छिड़ जाती तो उसमें हिस्सा भी लेता था, पर अधिकतर मात खा बैठता था। झल्ला कर एक दिन में संकल्प कर बैठता है, मैं पढ़ूंगा, वेद पाठी बनूंगा और ज्ञान चर्चा में अपने साथियों से सबसे आगे रहूंगा, सबसे सम्मान पाऊंगा। उसकी यह लालसा धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन पढ़ाने के लिए पिता के सामने प्रार्थना की। ऋषि अरुणी तो पहले ही ऐसा चाहते थे, उन्होंने श्वेत केतु को तुरंत एक ऋषि के आश्रम भेज दिया। मन में वे बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनका पुत्र वेदों का ज्ञाता बन सकेगा। ऋषि कुल में श्वेत केतु की पढ़ाई आरंभ हुई। स्पर्धा के कारण श्वेत केतु भी मन लगाकर पढ़ने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। श्वेत केतु ज्ञान विज्ञान में निपुण हो गया, चारों वेदों का वह अच्छा पंडित बन गया। एक दिन मन ही मन में सोचने लगा, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन चुका हूँ, गुरु जी भी मेरे ज्ञान की बड़ाई करते हैं, सभी सहपाठी मेरा लोहा मानते हैं, तब क्यों ना अब मैं आप सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकार दूं, सबको हरा कर मैं महापंडित बनूंगा। इन विचारों में मैं खोया ही था कि उसे बचपन की एक घटना याद आ गई। उस दिन एक साधारण सी चर्चा में उसे अपने साथियों से मात खानी पड़ी थी, क्योंकि कितनी करवाहट थी उस मृदे की। उसे निश्चय किया गया कि वह उन सबको ज्ञान चर्चा में छठी का दूध याद करा देगा, सबका सम्मान पाएगा। इस प्रकार ज्ञान के साथ श्वेत केतु को घमंड ने भी आदब ऊंचा, गुरु आश्रम छोड़ने के लिए मैं तैयार हो गया। अचानक एक दिन मैं अपने घर भी पहुंच गया। अपने ज्ञान के गुरूर में वह साधारण व्यवहार भी भूल बैठा था। ऋषि अरुणी ने उसके आचरण को देखा तो वह तुरंत समझ गए कि श्वेत केतु की शिक्षा भी अधूरी है, कारण विद्या तो विनय बनाती है। श्वेत केतु तो प्रणाम करना भी भूल गया। वे बहुत शुद्ध हुए, परंतु थे शांत, वे बिल्कुल शांत, न माथे पर कोई चिंता न वाणी में कोई आक्रोश। सहज भाव से वे उससे पूछने लगे, हे श्वेत केतु, तू 12 वर्ष विद्या पढ़कर लौटा है, सब कुछ तूने जाना है, वेद और उपनिषद तुझे याद है, परंतु क्या तू मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है? जैसे ही पिता अरुणी ने प्रश्न किया, श्वेत केतु का अभिमान आसमान को छूने लगा। मन ही मन में सोचने लगा, मेरे ज्ञान के आगे पिताजी का छोटा सा प्रश्न भला कहाँ ठहरेगा। मैं तपाक से बोला, पिताजी, क्या मेरे ज्ञान में अभी भी आपको संदेह है? मैंने 12 वर्ष लगातार शास्त्र पढ़े हैं, अब शास्त्रार्थ में भी मुझे कोई हरा ना सकेगा। आप जो पूछना चाहे पूछ ले, मैं सब कौन जानता हूँ। श्वेत केतु के स्वर में दर्प था, उसकी बुद्धि अभिमान में चोर थी, शायद इसलिए मैं ऋषि अरुणी की गरिमा को समझ ना सका। अरुणी भली प्रकार जान गए थे कि श्वेत केतु जो कुछ पाया है उसके पीछे घमंड होने का कारण अधूरा ज्ञान है। ये अभिमान जब नष्ट होगा तभी इसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। ऐसे वे सोच ही रहे थे कि श्वेत केतु फिर बोला, पिताजी पूछिए ना। क्या पूछ रहे थे? ऋषि अरुणी पहले तो श्वेत केतु की ओर देखते रहे, फिर कुछ धीमे स्वर में बोले, कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो यही जानना चाहता था कि संसार में वे एक वस्तु क्या है जिसके जानने से सबका ज्ञान हो जाता है।
इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले अगर अभी तक आपको कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं ऋषि अरुणी के इस प्रश्न का उत्तर था या नहीं श्वेत केतु के पास। श्वेत केतु ने पिता का प्रश्न सुना और सोच में पड़ गया। वह एक वस्तु क्या हो सकती है? उसकी बुद्धि ने बार बार जोर लगाया परंतु उसकी समझ में कुछ ना आया। धीरे धीरे बहुत कुछ जानने का भी उसका अभिमान भी काफूर होने लगा। अंत में जब उसके पिता के प्रश्न का कोई उत्तर ना सूझा तब वह विनत हुआ ऋषि अरुणी से ही उसका उत्तर जानने की प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाता अपने पिता के चरणों में पड़ गया। हाथ जोड़ कर वह उनसे कहने लगा, भगवान जिस एक वस्तु को जानने से सब ज्ञानी हो सकते हैं उसे मैं नहीं जानता। मेरा ज्ञान लगता है अभी अधूरा ही है, कृपया कर उसे आप ही मुझे बताइए। ऋषि अरुणी ने श्वेत केतु को दिलाते हुए कहा, वत्स ये वस्तु ये सत्य है। एक बार सत्य के स्वरूप को पहचान लेने से शेष जानने को संसार में कुछ भी नहीं रहता। श्वेत केतु के लिए बात कुछ कठिन थी। फिर वह फिर बोला, पिताजी संसार तो रंग बिरंगा है, यहाँ तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह के जीवन है, सबका परिचय भी अलग अलग है, परंतु आप कहते हैं कि इन सबका परिचय केवल सत्य को जानने मात्र से संभव है। हाँ वत्स मैं फिर भी यही कहता हूँ, ऋषि बोले, सत्य एक है, उसके रंग अनेक हैं। एक बार ये बात समझने से सब बात साफ हो जाती है प्रिय दर्शन। श्वेत केतु के लिए बात वही की वही थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर बोला, पूछे वन क्षमा करें, आपके हाथ की अंगूठी और इस कन्या के गले का हार दोनों अलग नहीं है क्या? पुत्र यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने जिसे दो कहा है वे एक ही स्वर्ण के दो रूप है। वस्तु एक है, स्वर्ण और उसके कार्य दो है, हार और अंगूठी। कारण जब सामने है तो कार्य भी सामने ही है। इस बार श्वेत केतु की विचार मुद्रा गंभीर हुई। उसे समझाते गए उद्वालक अरुणी फिर बोले, हे बालक ये नाम रूप और क्रिया स्वरूप जगत में दिखाई देने वाला अलग अलग रूप एक ही सत्य का भिन्न भिन्न आभास है। सत्य तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। सत्य रूप ब्रह्मा के संकल्प से तेज उत्पन्न हुआ, फिर जल उत्पन्न हुआ और उसके बाद अन्न उत्पन्न हुआ। जगत की सभी वस्तुएं तेज जल और अन्नमय है। जहाँ प्रकाश है वहाँ तेज तत्व है, जहाँ द्रव्य है वहाँ जल तत्व और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न अथवा पृथ्वी का तत्व है। परंतु पिताजी प्रकाश रूप अग्नि में तो अनेक रंग है, श्वेत केतु ने प्रश्न पूछा। हाँ वत्स अग्नि में लालिमा का तेज है, सफेदी जल की है और श्यामता पृथ्वी की। इसी प्रकार अन्न की तीन इंद्रियाएं हैं, विष्ठा मांस और मन। इसी प्रकार जल के स्थूल भाग से मूत्र, मध्य भाग से रक्त और सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है, ऋषि अरुणी ने उसे समझाते हुए बताया। तब सुषेध्य मन अन्न से बनता है और प्राण जल से और वाणी से तेज। श्वेत केतु ने ऋषि से फिर पूछा, हाँ श्वेत केतु तुमने ठीक ही समझा, सबका मूल सत ही है। ऋषि के बताने पर श्वेत केतु और भी गंभीर हो गया। वह फिर बोला, तब तो देव प्राणी प्राणी एक ही सत्य का स्वरूप है। अरुणी बोले, यही तो सत्य है और ये सत्य अणु की भांति सूक्ष्म है। जगत में आत्म रूप है, भारी भेद केवल दिखावटी है, मिथ्या है। श्वेत केतु की बुद्धि दर्पण की तरह निर्मल होती जा रही थी। धीरे धीरे विषय की गंभीरता उसकी समझ में आती जा रही थी। अपनी बात को साफ करते हुए फिर बोला, देश काल और धन संप्रदाय के नाम पर संसार में जो भेद किया जाता है वह भी असत्य ही है ना पिताजी? हाँ तुम ठीक कहते हो श्वेत केतु, शहद में अनेक वृक्षों का रस होता है परंतु वह रस अलग अलग होकर यह नहीं जानता मैं किस वृक्ष का रस। इसी प्रकार जीव की दशा है, वह संत का ही रूप है, संत के एक भाव प्राप्त करता हुआ भी अज्ञान की स्थिति में संत को नहीं जानता, इसलिए आपस में भेद मानता है। अन्यथा जो सूक्ष्म है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा है यानी संत है। यही संत संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। पिता के उत्तर को सुनकर श्वेत केतु अनायास ही कह उठा, तब तो हम सब एक ही हैं। इस पर ऋषि अरुणी का समर्थन था, हाँ हम सब एक ही हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी ऋषि उद्वालक अरुणी और पुत्र श्वेत केतु की। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।